हेलो गाइस, आपको इस क्वेश्चन में जीरो की इक्वलेंस क्लास लिखनी है। क्या मतलब है इसका जीरो की इक्वलेंस क्लास? जीरो की इक्वलेंस क्लास का मतलब ये है कि आपको ऐसे बी के कलेक्शंस लिखने हैं सच दैट जीरो कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन का मेंबर हो, और साथ में एंड जो बी है वो कहाँ से लेना है, सेट ए का मेंबर हो। तो ऐसे सारे बी को आपको लिखना है। अब अगर हम लोग इसे कंप्लीटली सोचे है ना, तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए, इसके ए में हमारे पास 6 एलिमेंट है, इसका मतलब ए क्रॉस ए के टोटल 36 मेंबर होंगे, दैट मीन्स 36 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। लेकिन क्या हर एक ऑर्डर पेयर रिलेशन का मेंबर होगा? आंसर है नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी देखते हैं, तो ए माइनस बी आप देख सकते हो जो भी आपको सामने दिख रहा है वो सारे के सारे ए माइनस बी ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जैसे पहला है, फर्स्ट में क्या है, 0 2 से डिविजिबल है या 2 डिवाइड करेगा 0 को, लेकिन जो -1 है इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा। जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं इसको 2 तो डिवाइड करेगा नहीं। इसका मतलब कि ये हमारे रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये हमारे रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब -2 भी, -2 तो रिलेशन का पार्ट होगा, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं ये रिलेशन के पार्ट नहीं होंगे। तो हम लोग बहुत सारे इसमें जितने भी ऑड इंटीजर हैं सबको आप हटा सकते हो कि ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन के पार्ट नहीं होंगे। खैर, हमें पूरे पूरे ऑर्डर पेयर को चेक नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि जिसका मेंबर पहला मेंबर 0 हो। इसका मतलब हमें सिर्फ एक रो को चेक करना है, इसका मतलब सिर्फ 6 ऑर्डर पेयर को चेक करना है, और इन 6 ऑर्डर पेयर में हमें ये देखना है कि कौन ऑर्डर पेयर रिलेशन का मेंबर है और कौन ऑर्डर पेयर रिलेशन का मेंबर नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है हमारे पास कि 0,0 हमारे रिलेशन का मेंबर होगा, 0,2 इसका डिफरेंस -2 आ रहा है जो 2 से डिविजिबल है या 2 डिवाइड कर रहा है इसको। तो हमारे पास कौन कौन मेंबर आ गए, इसका मतलब बी के नाम पे हमारे पास 0 हो गया, फिर आपके पास 2 हो गया और 4 हो गया। तो अगर हमें यहाँ आंसर करना है तो हमारा आंसर सीधा है कि जो हमारी इक्वलेंस क्लास हो जाएगी वो ये सारे बी हो जाएंगे। मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक पहला मेंबर 0 हो जाएगा इसका, दूसरा मेंबर आपका 2 हो जाएगा और तीसरा 4 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। लेकिन हम लोग इसके सब्जेक्टिव आस्पेक्ट, हमारा आंसर तो हो गया लेकिन हम इसके सब्जेक्टिव आस्पेक्ट में जाते हैं। जब ये क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स में आएगा या 6 मार्क्स में आएगा तब हम कैसे इसको टैकल करेंगे, है ना। तो वो हम लोग हम आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएं जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 0 तो पहला मेंबर रखना ही है क्योंकि 0 की ही इक्वलेंस क्लास रखनी है हमें, बी को सोचना है इज बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, फॉर ऑल बी जो सेट ए से आए हुए हों या सेट ए के मेंबर हों, ठीक है, ऐसा हम लोग ने मान लिया। और इसी बात को हम कह सकते हैं 0 रिलेटेड हो बी से, ऐसे बी हमें लिखने हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 2 है, 2 डिवाइड्स 0 माइनस बी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस बी है वो 2 का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना, 0 माइनस बी माइनस बी होगा, 0 माइनस बी जो आपका है तो ये 2 का मल्टीपल होगा अगर 2 उसको डिवाइड कर रहा है। मतलब हमारे पास कुछ m एग्जिस्ट करेगा, m कुछ इंटीग्रल m एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि माइनस बी को हम 2 का मल्टीपल लिख लेंगे या यू कहेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है। खैर, तो बी को आप यहाँ क्या लिख सकते हो, बी कुड बी रिटेन एज ए -2 टाइम्स m। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि m की हम पर्टिकुलर वैल्यू चूज करेंगे और b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। b क्या हमारा है, -2m। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका b है वो सेट ए से ही होना चाहिए, मतलब 0 से 5 ही होना चाहिए, ये ध्यान रहे। इसका मतलब जब भी m पिकअप करने के लिए जाओगे तो आप इतने भी फ्री नहीं हो,
m ऐसे ही रखने हैं जिससे b 0 से 5 के बीच में ही आए। फॉर एग्जांपल, क्या m की वैल्यू 1 अलाउड है? नहीं, 1 अलाउड नहीं है। अगर 1 हम रखते हैं यहाँ पे, अगर 1 हम यहाँ रखते हैं m की वैल्यू, तो ये -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपका? -2 आ जाएगा। और -2 बी सेट ए का मेंबर नहीं है, सेट ए में सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसका मतलब m की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, m की वैल्यू क्या 0 रख सकते हैं? यस, 0 रखेंगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 0, दैट कुड बी 0। अच्छा, क्या हम लोग -1 रख सकते हैं? यस, जितने भी निगेटिव इंटीजर्स आप रख सकते हो, तभी तो निगेटिव इंटू -2 पॉजिटिव आएगा, तो आप -1 रख सकते हो। तो -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, जो 2 एक्सेप्टेबल है ना आपके सेट ए से है। ये क्या -2 रख सकते हैं? देखते हैं, -2 इंटू -2 कितना आ गया आपका? -4 आ गया, सॉरी +4 आ गया, +4 आ गया। तो ये सेट ए से है। क्या -3 रख सकते हैं? देख लेते हैं, तो -2 इंटू -3 ये आ गया 6। अब देखिए, 6 आपका सेट ए का मेंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो 3 है ये अलाउड, -3 अलाउड नहीं है। तो m के सिर्फ 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। खैर, आपको m से जानना नहीं है, आपको तो सेट b लिखना था, b कितने पॉसिबल b's हैं। तो b के पॉसिबल वैल्यू हो गई आपकी 0 हो गई, 2 हो गई और 4 हो गई। तो वही आंसर कोड किया गया है। तो ये आपका सब्जेक्टिव मैनर हो गया। जब भी आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसी प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे, है ना, और उसको आगे डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। खैर, ये आपका फाइनल आंसर था जो पहले ही हो चुका है। थैंक यू।